गाइस वेलकम टू सुरुई सर। तो गाइस शुभम भैया वार्तालाप कर रहे हैं इनके साथ। गाइस इनका नीचे कुछ गिर गया। गाइस हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं करण और आप देख रहे हो राइडर एक्स जम्मू। तो गाइस आज की हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और मैं आया था शुभम भैया के घर शुभम भैया को लेने। और आप सभी लोग देख सकते हो आगे शुभम भैया जा रहे हैं। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरी फैट बाइक है और वो आगे शुभम भैया अपनी एमटीबी लेके जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं गाइस सुरिंसर वाली साइड और तुम चेक कर सकते हो स्टार्टिंग में ही हमारे घर के पास से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और चलो आपको रोड पे जाके मिलते हैं वहां पर। अभी तो हम घर के पास ही हैं और देख सकते हो तुम आगे क्या ही जहरीली ऑफ रोडिंग आ चुकी है स्टार्ट। तो गाइस यार चेक कर सकते हो हम अभी जा रहे हैं, पहले शुभम भैया पीछे हैं और भाई क्या ही स्मूथली निकली फैट बाइक। और शुभम भैया को भी देख लो और चलो चलते हैं गाइस। गाइस ओ भाई साहब, गाइस पूरे शूज गिले हो गए स्टार्टिंग में और वो देख सकते हो शुभम जा चुकी है आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, तो ये चेक करो गाइस शुभम आ चू। गाइस बिजली चेक की आपने, इतनी तगड़ी बिजली थी। एक दिन लियान भाई भी आया था इसी जगह पे। गाइस सब्सक्राइब कर दो सारे, आपके लिए साइकिल पे हम जा रहे हैं सुरी सर। कोई तरीका है भीख मांगने का? इधर से स्लो कर लेते हैं क्योंकि पत्थर वत्थर होंगे तो लीन नहीं होगा। अच्छा बात तो सही है। आने वाली है वो जगह सर्दनी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, और मोटो व्लॉगर उसको ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन बोलते हैं बजालता में। समझ गया। हाई सिस्टम चेक कर लो गाइस, व्लॉगिंग वाली लोकेशन ऑफ रोड वाली वगैरह खींचे। तो अभी मुझे दिखाया है बिल्कुल सीधा पुल पीछे तक, आप देख सकते हो। मैं छोटी सी एक वीली ट्राई करूंगा तो शुभम भैया को कहूंगा बनाओ मेरी वीडियो। और गाइस आप तो आगे व्यू दिखाते हैं, व्यू आ रहा है ना, बताऊं मैं आपको, चेक कर सकते हो गाइस व्यू चेक करो, एक बारी व्यू चेक करो। वो पीछे आपको यहाँ पे बिल्डिंग घर वगैरह दिख रहे हैं ना, उससे भी पीछे से आए हैं हम। और हाल फिर चेक करो व्यू गाइस, चेक कर लो। और वहाँ पे हम रुके थे व्यू पॉइंट पे। गाइस इनको बहुत डर लग रहा है, ये उतर के ही आ रहे हैं। गाइस बात तो सही है लेकिन तुम्हारा भाई भी चिमकांडी है। बिल्ली भी चेक कर रही लो। तो फाइनली गाइस यार हम दोनों पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट के पास। यार फिलहाल मैगी पॉइंट पे पहुंचे हैं और हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अभी मैगी खा लो गाइस, कैसी लगी गाइस? वो गया आपकी तो वैसी सिंपल ही है। तो गाइस यार मैगी वगैरह खा ली है, इतना पेट नहीं भरा लेकिन ठीक है। अभी तो फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हो मैं क्या देख चुका है। तो गाइस शुभम भैया वार्तालाप कर रहे हैं इनके साथ। गाइस इनका नीचे कुछ गिर गया, मतलब कुछ भी। सही है यार। हाँ शुभम भैया आगे जाओ ना आगे। गाइस चेक कर लो अभी ढलान ही ढलान है गाइस। से मेरा क्या फायदा, चेक कर लो गाइस।
उतना ही ज्यादा सजा मिलेगी गाइस हमें। गाइस वेलकम टू सुरुई सर, पहुंच चुके हैं हम सुरुई सर, चेक कर सकते हो गाइस, देख सकते हो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुरुई सर में। बाकी वेट कर लेते हैं भैया के पीछे। चेक दिस ब्यूटी गाइस, ब्यूटी चेक करो गाइस, फाइनली हम सुरुई सर पहुंच चुके हैं। और गाइस क्या ही सर है, देख सकते हो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे सुरुई सर। और चेक कर सर, और वो देखो गाइस पंछी क्या लकड़ियों पे क्या डांस कर रहे हैं, पंख फैला रहे हैं अपना, सस्ते पंछी मोर बन रहे हैं। तो गाइस यार ये भी पार्क टाइप ही है, और आगे प्ले वे पार्क है सुरुई सर का। तो गाइस चेक कर लो सुरुई सर लेक, कुछ ऐसी जगह पे हैं हम, ये रहा सुरुई सर पार्क। और ये खतरनाक वाला, सबसे खतरनाक वाला झूला भी हमारे पास ही है, और वो लगी हैं अपनी साइकिल्स। अंकल आगे आ चुके हैं, चलो अंकल भी हट गए, वो मेरा फैट टायर एक दिख रहा होगा आपको आगे। हाँ यार 200 सब्सक्राइबर करवा दो, और 1K का एम है अब। कुछ तरीका है भीख मांगने का? 1K के बाद 10K करेंगे, 5K करेंगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो भाई सभी खा पी के हम निकलते हैं सुरुई सर से, फिर मिलते हैं आपको सेटअप पे। तो गाइस यार फिलहाल हम सुरुई सर से निकल रहे हैं, तो पार्क वार्क में हम गए ही नहीं, खाया भी है, सीधा आगे। तो गाइस यार पोपट हो चुका है यहाँ पे, बहुत दुख भी आ रहा है, मन तो कर रहा है नहीं ब्लॉग बनाने का, लेकिन बनाना तो पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पे हम हवा भर रहे थे, और शुभम भैया ने मैं हवा भर रहा था, शुभम भैया ने जानबूझ के भी नहीं, वो सोच रहे थे कि मैं वो कर देता हूँ सपोर्ट देते हैं दूसरे साइकिल के साथ, मेरे साइकिल में स्टैंड नहीं था तो उन्होंने खींचा, ये फट ही गया गाइस। अब मुझे बड़ा दुख आ रहा है, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। गाइस देख लो टायर की हालत, और शुभम भैया भी ऐसे ही मेरे साथ खज्जल हो रहे हैं, मेरे साथ पैदल आना पड़ रहा है। लेकिन हमने एक भैया को फोन किया, वो बोल रहे हैं मैं आया घर से, तो अगर जुगाड़ बन गया तो हम घर तक पहुंच जाएंगे। बाकी गाइस यार मतलब भगवान ने इतना साथ दिया ना हमारा, क्यों मतलब इतना 32 किलोमीटर था, 32 किलोमीटर में कुछ नहीं हुआ, बस इस थोड़े से में हो गया यार, कम से कम भी कितना 3-4 किलोमीटर है ना बाजार तक, 3 किलोमीटर है, 2.5-3। अगर आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हो ना, तो गाइस यार एक सब्सक्राइब ही कर दो गाइस। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस एक भैया आ चुके हैं लेने, इनके साथ एक बंदा भी है। क्यों चिंगाड़ रहा भाई, रुक जा। तो गाइस देख सकते हो हमारी फैट भाई पीछे, तो गाइस यार आज नेक्स्ट डे है, और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने कल साइकिल बाइक के साथ टो करके ले आया था मैं, और उसके बाद मैंने शॉप में से साइकिल का वो जो एयर वाला वो नहीं होता बॉल, वो मैंने ठीक करवा लिया था, वहाँ से आ रहा था तो उसने मतलब टायर फिट नहीं किया था अच्छे से, तो चेन थोड़ा सा बाहर रह गया था गियर के, तो वो जैसे ही मैंने पैडल मारा तो मतलब वो चेन बाहर था, तो वो गियर ही पूरा टूट गया गाइस यार, बहुत दुख हो रहा है। मैंने सोचा अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं, तो अभी गाइस अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी मैं करवा दूँगा उसको ठीक है। तो वेडनेसडे है, थर्सडे आज, तो संडे को हम जाएंगे तिरुपति बालाजी टेम्पल सिद्धड़ा में। तो इस वीडियो में, इस ब्लॉग में गाइस यार इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो उसके लिए हम गोप्रो ले लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, फ्रेंड गया तो फ्रेंड का गोप्रो लेके जाएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब कर दो, और कोई कमेंट कर दो कि हमें वहाँ जाना चाहिए कि यहाँ फिर जम्बू जू वाली साइड जाएँ, नगरोटा वाली साइड, तो बता दो। बाकी आज का ब्लॉग इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दो यार, नेक्स्ट ब्लॉग इससे भी अच्छे अच्छे होने वाले हैं, गोप्रो भी बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग। Bye guys.